कोर्ट के लिए रवाना हुए अबीरा और अरमान जी। हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दादी साबिरा को अकेले में बात करने के लिए अपने रूम में बुलवाती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके वो कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए मनाई लेगी। दादी सा उसे ब्लैंक चेक देती है, पर अबीरा रुपए के लालच में बिकने वालों में से नहीं है। फिर दादी सा उसे अक्षरा का वादा याद दिलाती है कि तुम्हें तो वकील बनकर गरीबों की मदद करनी है और इस काम में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यह सुनकर अबीरा मान जाती है। इधर अरमान उन डिवोर्स पेपर्स को ढूंढ लेता है और अगले दिन ही लोग कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रूही अरमान के साथ आगे बैठती है, पर अबीरा अरमान से कहती है कि गाड़ी मैं चलाऊंगी और आगे तुम बैठोगे। अरमान बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बात मान लेता है। रूही को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो ये सोचकर अपने दिल को दिलासा दे देती है कि चलो ये अबीरा की आखिरी ख्वाहिश है, इसके बाद तो ये घर छोड़कर चली ही जाएगी, बस अरमान कोर्ट में कोई गड़बड़ ना कर दे। आगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कोर्ट रूम में अरमान और अबीरा क्या गवाही देते हैं। क्या दादीसा की बात मानकर अबीरा अरमान को तलाक दे देगी? इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।